मेरी मदर ना मेरी मदर हार्ट के मरीज है उन्होंने दवाई नहीं खाधी हुई सानू पता आपकी माता को कुछ हो गया तो एक दिन मरी दूजे का भी पैना जे बंदा मैं कहना पा वो बोलती बड़ा भी चुप नहीं करती। परिवार नूं इंसाफ ना मिलदा देख के परिवार ने अमृतसर विजय नगर दी चौकी बाद रोष प्रदर्शन किया। पत्रकारां नाल गल्लबात करदिआं रितु दे पति दा कहना है कि उसकी पत्नी विजय नगर एक फैक्ट्री विच काम करदी सी। दोपहर समय फैक्ट्री विचों उसनूं फोन आउंदा है कि उसकी पत्नी ने कुछ जहरीला पदार्थ खा लिया है अते ओह उल्टियां कर रही है। रितु नूं अमृतसर दे गुरु नानक देव हस्पताल विच दाखल करवाया गया है। देर शाम उसकी मौत हो गई। रितु दे पति ने फैक्ट्री ते इल्जाम लगाउंदे कहा है कि जेकर मेरी पत्नी ने फैक्ट्री विच कुछ जहरीला पदार्थ खाता सी तां फैक्ट्री प्रबंधकां दा फर्ज बनदा सी कि उसनूं हस्पताल दाखल करवाउंदे ना कि सानूं फोन करके उन्हां नूं घर जाण लई कहंदे। उन्हां दा कहना है कि इस मामले की बारीकी नाल जांच होनी चाहीदी है। असी दशमेर जोड़ा अपना जोड़ा फट गए लहर वाले मुख बड़े ने मेरी वाइफ इतने विराट टैक्सटाइल है गली नंबर 5 विजय नगर से काम करती पैकिंग का रितु तो दोपहर न खाना खाने के टाइम जो 2 बजे एक्चुअली फोन आया मेरे ब्रदर इन लॉ कि जी ताकि भैन में चक्कर आया तो तुम आ के लै जाओ वो कहते असी दवाई लाती है तो अपना वो लै गए मैं उन्हें मैनू फोन किया कि तुम लै जाओ मैं भी उन्होंने घर लै गया उस वे ठीक से उसका उल्टी की मैनू नहीं पता ये बारे कि मन ठीक हो गया है। शाम को मेरी नाइट शिफ्ट है मैं नाइट शिफ्ट अपना ट्रांसपोर्ट से मैं काम से चले गया सवेरे आया तो सवेरे कोई 8 बजे उन्हें उल्टी लग गया तो गुरु नानक देव हॉस्पिटल ले जाया तो उन्होंने कहा जी कि बचने के चांस बहुत घट है बाकी जो है उत्ते है उन्होंने वेंटीलेटर से लगा दिता शामी 8 बजे उन्होंने जी मृत घोषित करता। दोषी मानते सर दोषी असी देखे जिते काम करते उन्होंने दोषी मना उन्होंने मालक का की नाम है सर मालक का नाम अजय खन्ना जी जोड़ा ठेकेदार है राकेश कुमार ठेकेदार है जी जहाँ से सू इनफॉर्म कर दे सर मैनू इनफॉर्म की मांग मैनू इनफॉर्म कर दे कि भी ताकि वाइफ ने इस तरह कुछ खतरनाक चीज़ पी ली है तो जाके डा वैसे तो उन्होंने बंदा सी उन्होंने हॉस्पिटल जो है कि जाके तुम दाखिल कराओ उन्होंने कोई दाखिल नहीं कराया ना सानू दस्या कि भी इस तरह की घटना ताकि वाइफ ना हो चुकी है तो तुम अपना दाखिल कराओ हूँ साड़ी मांग आई है कि सानू इंसाफ चाहिए मेरिया 2 बेटियां इंसाफ चाहिए जो भी हो सकता सरकार को यही मांग है। डैथ हुई सी रितु नाम की लेडीज़ है वो संबंध में साढ़े थानेदार साहब वालों उस दिन 174 की कार्रवाई की गई है लेकिन इस वक्त जोड़े है मृतक के परिवार वाले उन्होंने धरना लगा रहे हैं भी कोई कह रहे हैं भी सा इंसाफ नहीं होया जो भी इंसाफ है इन्होंने देवे हूँ ये गल आई है मैं जो भी सामने होएगा जो भी प्योरिटी बेस्ट जो इंसाफ के आधार से होएगा वो असं करा हूँ मैं उस पार्टी में कॉल की है जो भी सारे हालात ने असं वेखा जी असं डेडबॉडी का पोस्टमार्टम कराया होया है वह बिस्तरा भी भेजना है उस तो बाद जो भी फैक्ट होंगे डॉक्टर साहब की राय ली जाएगी जो भी साफ होएगा वो किया जाएगा जी। परिवार मैंबरों को कहा जा रहा पिछले 7 दिन तो कोई कार्रवाई नहीं की जा रही टाइम से टाइम सामने दिता जा रहा पार्टी में बुलाया नहीं जा रहा ऐसी कोई गलबात नहीं जी 7 दिन तो उस दिन ही असी देखो 174 की कार्रवाई करके तो असी जरा बॉडी का पोस्टमार्टम वगैरह करवाया होया है और जो भी उसके बारे फैक्ट सामने आएंगे जो भी तफ्तीश के सामने हालात आएंगे उस मुताबिक कार्रवाई ली जाएगी। जो इन्वेस्टिगेशन अगर ठेकेदार या फैक्ट्री मालिक की कुछ सहूलियत सामने आती है जुर्माना किया जाए जो एक्शन होएगा जी करांगे जी कोई ऐसी गल नहीं कानून जो किसी भी नहीं बख्शेगा तुहानू आप जी इस गल का पता भी कानून सब वास्ते एक है और जोड़ा गुनाहगार है वो वास्ते कोई लिहाज का जोड़ा खाना नहीं है कोई वो नरमी नहीं वरती जाएगी जे कोई गुनाहगार होएगा वो सज़ा का भागी होएगा। अजे तक दूसरी पार्टी इतने पेश नहीं हुई नहीं उन्होंने कॉल किया गया जी वो आ रही है पार्टी असं बैठ के देखते हैं जो भी सारे हालात सामने आएंगे असं देखेंगे करेंगे।